So, bachcha, good morning to all of you. Today I will discuss about the tissue system. In the tissue system, we will discuss about three type of tissue system. कौन कौन होंगे? पहला होगा क्या? epidermal tissue system. और दूसरा क्या होगा बच्चों? दूसरा होगा ground tissue system और तीसरा होगा आपका vascular tissue system. जैसा आप जानते हैं, कोई भी प्लांट लेंगे अगर वो टेरिस्ट्रियल है, टेरिस्ट्रियल का मतलब जमीन पे अगर उगा हुआ है, तो उसकी जड़ें कहां जाएंगी? जमीन के अंदर ग्राउंड में जाएंगी। ग्राउंड में क्यों जाएंगी जड़ें? ग्राउंड में जाएंगी उसको फिक्स करने के लिए, इसके अलावा वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए वो जमीन में जाएंगी। लेकिन उसका कुछ हिस्सा जमीन के बाहर होगा, जिसको हम स्टेम कहेंगे और लीफ कहेंगे। वो हिस्सा कहाँ होगा बेटा? जमीन के बाहर। इसको हम क्या कहते हैं? एरियल पार्ट, जो जमीन के ऊपर होता है, ग्राउंड के ऊपर पौधे का हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं? सूट पार्ट। सूट माने एरियल पार्ट है, माने हवा में है। हवा का मतलब हवा में उग नहीं रहा, लेकिन जमीन के ऊपर है। तो इतना जो है यह हिस्सा सूट है। यहां से यहां तक क्या कहेंगे इसको? सूट। क्या कहेंगे? लेकिन यह वाला हिस्सा क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। इधर जो आ रहा है इसको क्या कहेंगे? रूट। अब इनका चाहे रूट हो, चाहे सूट हो, स्टेम लीफ हो, सबके ऊपर में लेयर जो होती है वो कौन सी लेयर होती है? इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम यहाँ होता है। इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम का काम है इनका प्रोटेक्शन करना, इनका बचाव करना। थोड़ा अंतर ये होता है कि जो इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम लीफ का होगा, स्टेम का होगा, रूट का होगा, थोड़ा अंतर होगा। काम तो ऑलमोस्ट सेम है, उनका प्रोटेक्शन करना है। ये भी मिट्टी में रह रहे हैं, बैक्टीरिया इनको इन्फेक्ट न कर दे, उनसे कोई दिक्कत ना हो, बचाव करेंगे। और यहाँ भी बाहर के वातावरण में तेज धूप है, बैक्टीरिया है, तमाम सारी चीज़ें हैं, इनका बचाव करने के लिए। स्टेम में भी वैसे ही है। तो इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट रूट स्टेम एंड लीफ, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। पहली बात तो ये हो गई, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसके बाद अगर देखते हैं कि लीफ में कौन कौन से पार्ट है। अगर हम लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो लीफ में देखेंगे, जैसे लीफ है, एक अपर सरफेस हो गया, एक लोअर सरफेस हो गया। इसी लीफ का देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन है, यह पूरी लीफ है इतनी मोटी, इसका अपर और लोअर आर होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, भिंडी के तने में भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इवन भिंडी पर भी होता है कुछ में हेयर लाइक। वो क्यों होता है? जैसे इनको कोई इंसेक्ट खाने जाए तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो क्या करेगा? वो खा नहीं पाएंगे और वो पौधा सुरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आगे epidermal, ये तो लिख दिया प्रोटेक्शन करता है, लिख दिया आपने नहीं लिखा, अभी कुछ नहीं लिखा है। epidermal टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कवर फॉर्म कवरिंग अपर एंड लोअर epidermis। लीफ में अपर एंड लोअर epidermis है, अपर एंड लोअर epidermis। अपर epidermis कंटेन मल्टी सेलुलर हेयर। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां जो ये epidermal सेल है, ये कौन सी सेल है? epidermal सेल है। ये सारी epidermal सेल है, ये epidermal सेल है। लेकिन यहां पर ये epidermal सेल मल्टी सेलुलर हेयर। कुछ epidermal अपर epidermis की सेल क्या बना लेते हैं? मल्टी सेलुलर हेयर। और मल्टी सेलुलर हेयर का काम क्या है? वही जो मैंने बताया था, हाँ, प्रोटेक्शन, इनको प्रोटेक्ट करना, कोई इंसेक्ट ना खाने पाए, दूसरी पानी को बाहर निकलने से, ट्रांसपिरेशन को भी रोक देते हैं। अच्छा, कंटेन मल्टी सेलुलर हेयर
दिस मल्टी सेलुलर हेयर आर कॉल्ड ए ट्राइकोम, लिख लीजिए, आपके बुक में ट्राइकोम लिखा होगा। ये मल्टी सेलुलर हेयर, इन मल्टी सेलुलर हेयर को हम ट्राइकोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोम कहेंगे। और ये हम कहेंगे इनको मल्टी सेलुलर हेयर, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम। अब इसके ऊपर में क्यूटिकल का एक लेप भी होता है, जैसे मदार वगैरह देखें, मदार की पत्ती देखें, उसके ऊपर चूने 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 जैसा होता है, देखें कि नहीं? तो यह क्यूटिकल का एक लेप होता है। क्या होता है? क्यूटिकल। वह क्यूटिकल का लेप क्या करता है? हाँ, लिख लीजिए, द अपर सरफेस ऑफ इपिडर्मिस कवर्ड विथ क्यूटिकल विच चेक द लॉस ऑफ वाटर, विच क्यूटिकल क्या करता है? क्यूटिकल चेक द लॉस ऑफ वाटर, चेक द लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया में, ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया में पानी के लॉस को, जैसे ट्रांसपीरेशन में पानी ज्यादा निकलेगा तो यह जो है लॉस को रोकता है, पानी के ज्यादा नुकसान को रोकता है। ये पानी का नुकसान क्यों होगा? क्योंकि ये पौधा बाहर वातावरण में रह रहा है, तेज धूप हो गई तो वही धूप पौधों पे पड़ेगी। जैसे हम लोग धूप में जाएंगे बाहर तो पसीना होने लगता है कि नहीं? नहीं होता पसीना? अच्छा, यहाँ भी ये भी लिविंग बींग है तो इनको भी पसीना होता है। पसीना कहाँ से होता है? इनकी पत्ती के निचली सतह में स्टोमेटा है। क्या है? स्टोमेटा। देख रहे हैं? यह जो है यहाँ पे यह गार्ड सेल है। क्या है? गार्ड सेल। ये पेयर ऑफ गार्ड सेल क्या बनाते हैं? स्टोमेटा। ये गार्ड सेल, पेयर ऑफ गार्ड सेल स्टोमेटा बनाते हैं। स्टोमेटा क्या है? ओपनिंग है, दरवाजा है, इसी के द्वारा ये स्टोमेटा है। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि क्यूटिकल का कवरिंग होता है विच चेक द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। यहाँ पे जैसे तेज धूप हुआ तो लाइट आ रही है और लाइट की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, फिर पौधा अपनी सतह से पानी को बाहर निकालेगा भाप के रूप में, तो वाटर वेपर के रूप में पानी बाहर निकलेगा, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसपीरेशन। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अगर यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा और जमीन में पानी कम है तो पौधा को सूखने का डर रहेगा, यहाँ से वाटर देगा, यहाँ से मिनरल देगा। लेकिन आप सोचिए कि ज्यादा अगर ट्रांसपीरेशन होगा तो सूख जाएगा। ट्रांसपीरेशन आवश्यक है, ट्रांसपीरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी एविल। आवश्यक इसलिए है कि थोड़ा थोड़ा ट्रांसपीरेशन होगा तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी जाते रहेगा। जैसे हैंडपंप चलाते हैं तो पानी बाहर निकलेगा, हैंडपंप नहीं चलाएंगे तो पानी वहीं पे क्या करेगा? रुका रहेगा ना? देखा कि नहीं? नहीं देखा? जैसे हैंडपंप ऐसे ये होता है ऐसे, और यहाँ पे यहाँ तक पानी है, अब इसके हैंडल को चलाया तो पानी जैसे ही बाहर निकलेगा फिर यहाँ तक पानी आकर के क्या होगा? भर जाएगा। और नहीं चलाएंगे तो साल भर यहीं पे पानी भरा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे ही चलाएंगे पानी बाहर निकला तो यहाँ एक सक्शन प्रेशर काम करेगा। क्या काम करेगा? सक्शन प्रेशर। और ये जो पानी आते रहेगा वैसे ही अगर यहाँ ट्रांसपीरेशन न हो तो पानी यहाँ से आकर यहाँ तक रुका रहेगा और बाद में उतना ही वाटर यहाँ रहेगा और ज्यादा वाटर मिनरल नहीं ले पाएंगे, और नहीं ले पाएंगे तो इनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। जैसे एक बकेट में चीनी घुला है, अगर कोई एक ग्लास पिएगा और कोई 10 ग्लास पिएगा सोल्यूशन शरबत, तो किसको ज्यादा चीनी मिलेगी? जो 10 ग्लास पिएगा उसको ज्यादा चीनी मिलेगी और जो एक ही ग्लास पिएगा उसको कम। तो ये जितना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही ज्यादा इनको क्या मिलेगा? मिनरल मिलेगा, उतना ही ज्यादा इनका ग्रोथ होगा। लेकिन ज्यादा लेने का एक लिमिटेशन है, जमीन में पानी है कितना? अगर पानी पीने के लिए ज्यादा उगाते रहेंगे तो एक समय आएगा कि पानी खत्म हो जाएगा जमीन का,
और वे पानी के अभाव में क्या होंगे? सूख जाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन इज ए नेसेसरी इविल, आवश्यक है कि ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर बाहर जाएगा तो यहां से पानी सक्सर प्रेशर से ऊपर तक आएगा, आवश्यक है। लेकिन एक्सेस ऑफ ट्रांसपीरेशन इज बैड। जैसे मोबाइल इज ए नेसेसरी इविल, मोबाइल जरूरी है, किसी से बात करना हो, जरूरी मैसेज देना हो, कोई खबर देना हो, कोई फॉर्म अप्लाई या पैसा भेजना हो, जरूरी है। लेकिन 24 घंटे मोबाइल लेके खोल के बैठे रहे, सब काम धाम छोड़ करके मोबाइल लेके बैठे हैं, घर वाले ब्रेकफास्ट ला के रख दिए, लंच ला के रख दिए, डिनर तीनों रखा हुआ, खाली मोबाइल देख रहे हैं, तब क्या होगा? माथा खराब होगा, सही स्वस्थ हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो बुराई है कि नहीं है? तो मोबाइल इज आल्सो ए नेसेसरी एविल, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वैसे ही ट्रांसपीरेशन इज नेसेसरी एविल, ट्रांसपीरेशन नेसेसरी है, क्यों? सक्सर प्रेशर बना के वाटर मिनरल को ज्यादा ज्यादा लेने के लिए। लेकिन एक्सेस हो जाएगा तब, तब तो पौधा सूखने का डर होगा, समझ रहे कि नहीं? तो इसीलिए जितने भी जीरो फिटिक पौधे हैं, लिख लीजिए द जीरो, इन जीरो फिटिक प्लांट, इन जीरो फिटिक, जीरो फिटिक का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, जीरो फिटिंग माने जो शुष्क वातावरण में, मरु वातावरण में, राजस्थान जिसे डिजर्ट है, डिजर्ट में कौन पाया जाता है? कैक्टस ज्यादा पाया जाता है, मदार ज्यादा पाए जाते हैं। तो वो पौधे जो जीरो फिटिंग वातावरण में रहते हैं, जहाँ पानी कम है, अब राजस्थान के थार डिजर्ट में 50-60 सेंटीमीटर पर ईयर बरसात होती है, तो पानी वहाँ कम है, और पौधा पानी नुकसान करते रहे तो क्या होगा? सूख जाएगा। तो जीरो फिटिंग, इन जीरो फिटिंग प्लांट, जीरो फिटिक प्लांट लाइक कैक्टस, कैक्टस में किसमें? कैक्टस एंड यूफोर्बिया, कैलोट्रापिस मदार में भी, कैलोट्रापिस, कैलोट्रापिस का मतलब मदार, मदार देखा है कि नहीं देखा? कैक्टस एंड कैलोट्रापिस, इसमें क्या होता है? थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, इन कैक्टस एंड कैलोट्रापिस क्या होता है? थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, क्योंकि वो कहां पाए जाते हैं? डिजर्ट में पाए जाते हैं, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जब ज्यादा टेम्परेचर है तो क्या होगा? पौधा सूखेगा कि नहीं सूखेगा? पानी का ज्यादा लॉस होगा। तो पानी के लॉस को बचाने के लिए उनकी पत्तियों की सतह पर बिल्कुल चूने जैसा व्हाइट व्हाइट एक क्यूटिकल का मोटा लेप लग जाता है, ताकि पानी को बाहर न निकलना, समझ रहे कि नहीं? इट इज क्लियर। लोअर सरफेस ऑफ लीफ इन डाइकॉट प्लांट, इन लोअर सरफेस ऑफ लीफ ऑफ डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट का मतलब जैसे जिसमें टैप रूट हो, जिसमें जाल 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 हो, बताया था कि नहीं बताया था? जिसमें जाल जाल हो, खूब ऐसे जाल हो, नेटवर्क वाइब्रेशन हो, टैप रूट हो, और उनके सीड में दो दाल हो, दो कार्टिलेडन हो, जैसे आम है, मटर है, चना है ना, दो कार्टिलेडन। और गेहूं में, धान में क्या होता है? सिंगल कार्टिलेडन होता है। क्या होता है? सिंगल, वो मोनोकाट है, मेज मोनोकाट है, व्हीट मोनोकाट है, शुगर केन। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां, जैसे बनाना है, शुगर केन है, उनकी पत्तियों में पैरेलल लाइन होती है, देखिए कि नहीं? ऐसे तो मोनोकाट हो गए, इनकी दोनों सतह पर स्टोमेटा होगा लेकिन कम होगा। और जो डाई काट है इस तरह के, इनके केवल निचली सतह पे होगा लेकिन ज्यादा होगा। इनके ऊपरी सतह पे स्टोमेटा देखिए कहीं नहीं है, डाई काट प्लांट में ऊपरी सतह पे स्टोमेटा नहीं है, क्योंकि इनकी पत्ती ऐसे होती है। अगर यहाँ लाइट एनर्जी पड़ी, यहाँ लाइट एनर्जी पड़ी, अगर यहाँ स्टोमेटा होगा, स्टोमेटा खुला है दिन में, तो ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा और पौधा क्या करेगा? सूख जाएगा। तो इसीलिए नेचर ने इनको यहाँ स्टोमेटा नहीं दिया है, यहाँ एकदम स्मूथ होगा, यहाँ पे क्यूटिकल का लेप लगा है, ज्यादा से ज्यादा स्टोमेटा कहाँ है? नीचे। देखिए स्टोमेटा कहाँ है? ये पत्ती है, इसके ऊपरी सतह पे नहीं है, कहाँ है? नीचे। ये स्टोमेटा बने हुए हैं, इसी स्टोमेटा को यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है, इसी स्टोमेटा को यहाँ इनलार्ज करके दिखाया गया है। अब इस स्टोमेटा में देखिए, यह जो है गार्ड सेल है, यह बीन सीड सेल क्या है बच्चों? गार्ड सेल, एक जोड़ी गार्ड सेल है इसमें। यह गार्ड सेल जो है आपस में दरवाजे की तरह इस तरह से, जैसे यह एक गार्ड सेल, एक गार्ड सेल, ये दोनों दिन में खुल जाते हैं ऐसे, ये दरवाजा खुल गया, अब CO2 आएगा फोटोसिंथेसिस के लिए, आएगा फोटोसिंथेसिस होगा,
और ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया में पानी भी बाहर निकलेगा भाप के रूप में, ठीक है। तो स्टोमेटा माने ओपनिंग, यह डोर है, जैसे लैब का दरवाजा खुला था तो हम लोग अंदर आ गए और फिर बाहर जाएंगे। तो स्टोमेटा क्या है? डोर है। किसके द्वारा बना है? एक जोड़ी गार्ड सेल के द्वारा। ये एक जोड़ी गार्ड सेल, और गार्ड सेल में न्यूक्लियस भी है। गार्ड सेल में क्या है? न्यूक्लियस भी है, और गार्ड सेल में यह क्लोरोप्लास्ट, यह है, यह क्लोरोप्लास्ट है, और यह न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस। यह रेड कलर का न्यूक्लियस, रेड कलर से इंडिकेट हम कर रहे हैं, यह न्यूक्लियस है, यह भी न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस है, और यह जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। एक क्लोरोप्लास्ट है, एक क्लोरोप्लास्ट, यहां पर इसके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। अब जब लाइट एनर्जी पड़ेगी लीफ पे, तो इसकी निचली सतह पे स्टोमेटा है, यहीं पे गार्ड सेल है, और गार्ड सेल क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसमें क्या बन जाएगा बच्चों? इसमें ग्लूकोज बनेगा कि नहीं बनेगा? एक ग्लूकोज बनेगा, और जब ग्लूकोज यहां बना, अब ग्लूकोज बनाएगा तो इसके साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाएगा कि हल्का हो जाएगा? पानी में चीनी घोल देंगे तो गाढ़ा हो जाएगा कि हल्का हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ ग्लूकोज खूब बन गया क्योंकि दिन में लाइट मिल रही है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है। अब जब ग्लूकोज खूब बना तो गाढ़ा हो गया। अब गाढ़ा हो गया तो ये जो यहां वाला है, यहां वाला सेल है सब्सिडियरी सेल है। ये कौन सी सेल है? सब्सिडियरी सेल है। ये कौन सी सेल है बच्चों? सब्सिडियरी सेल है। अब सब्सिडियरी सेल से ये हल्का है, गाढ़ा हो गया। अभी ग्लूकोज बना तो गाढ़ा हो गया कि नहीं हो? तो इसका इसमें पानी क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा। अब पानी अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? स्वेलप कर जाएगा। तो पहले तो पिचका हुआ था, रात में पिचका हुआ था, स्टोमेटा बंद था, और जैसे लाइट आई फोटोसिंथेसिस होने लगा तो अब ये जो है क्या हो गया? स्वेलप हो गया, तो स्टोमेटा क्या हो गया? खुल गया। तो स्टोमेटा दिन में क्या करता है? खुल जाता है। जैसे दो बैलून ऐसे सटा लीजिए, हवा भरिए, तो लौकी जैसे ऐसे हो जाता, तन जाता है कि नहीं? बीच में जगह बन जाएगी, नहीं बन जाएगा दोनों के बीच में? तो दिन में स्टोमेटा खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में यहाँ पे गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस हुआ, और इसमें सुगर बन गया, और जैसे सुगर बना सब्सिडियरी सेल से पानी अंदर आ गया, स्वेलप हो गया और स्टोमेटा खुल गया। अब यह स्टोमेटा है, यह स्टोमेटा है, यह स्टोमेटा खुल गया। अब स्टोमेटा खुल गया तो भाप के रूप में, वाटर वेपर के रूप में पानी बाहर जाएगा, इसको क्या कहेंगे? ट्रांसपिरेशन कहेंगे। और दूसरे इनको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाहर से क्या चली आई? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब इसमें ऑक्सीजन बनेगा, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहां निकल के आएगी? बाहर आ गई ऑक्सीजन, बाहर आ गई, ठीक है ना। तो स्टोमेटा तो लिख लीजिए, ईपीडर्मल लेयर एंड सेवरल स्टोमेटा। ईपीडर्मल लेयर के अलावा क्या है बच्चों? सेवरल स्टोमेटा है, बहुत सारे स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा कौन है? एक खाली जगह जो पोर है, जैसे पूरे कमरे में जो दरवाजा है वैसे ही पूरे सिस्टम में जो पोर है, जो जिसे CO2 जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर, लिखिए, स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर अंडर ब्रैकेट ओपनिंग। पोर माने क्या? ओपनिंग। स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर, हाँ ओपनिंग पोर, माइन्यूट पोर आर ओपनिंग, विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या काम करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी, लेकिन रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में, जैसे रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, लाइट नहीं है, लेकिन रिस्पिरेशन तो होगा, रिस्पिरेशन तो 24 घंटे हो रहा है। इस पौधे में रिस्पिरेशन 24 आवर हो रहा है, जैसे हम लोगों में रिस्पिरेशन 24 आवर हो रहा है, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। तो ये पौधा भी ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, लेकिन दिन में चूंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो
ज्यादा से ज्यादा CO2 चाहिए तो जो रेस्पिरेशन में CO2 बना वो भी यूज हो गया, बाकी बाहर से भी CO2 लेगा क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा है। तो ये CO2 लिया, क्या लिया? CO2, और यहां वाटर आ गया, और यहां पे क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्या बना? ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज बना उसके साथ साथ ऑक्सीजन निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ऑक्सीजन। तो जितना CO2 लिया, जैसे 6 CO2 लिया, 6 CO2 लिया तो 6 O2 रिलीज करेगा, 6 O2 क्या करेगा? रिलीज करेगा। लेकिन दिन टाइम में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा CO2 चाहिए और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो उसमें से कुछ ऑक्सीजन लेके श्वसन कर देता है। अब मान लीजिए कुछ ऑक्सीजन इसी में यूज हो गई, तो जब श्वसन करेगा तो CO2 छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? CO2 छोड़ेगा ना। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, यहां देख लीजिए, जैसे यहां पे ग्लूकोज हमने लिया, क्या लिया? ग्लूकोज, और ऑक्सीजन से मिला, ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। माइटोकांड्रिया वाले में बताया था कि नहीं बताया था? एनर्जी। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो यहां ग्लूकोज जो बना था, बाकी का ग्लूकोज तो स्टोरेज आइटम में आएगा, लेकिन इसको जीवित रहने के लिए इसको भी तो कुछ ग्लूकोज चाहिए। जब उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना होगा तो ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दिन में तो ऑक्सीजन जो बन रही उसी में से कुछ ले लिया। जैसे इस एक किसान है, बहुत सारा गेहूं पैदा किया, धान पैदा किया, चावल, तो अपने खाने भर रख लेगा, बाकी को तो भेजेगा बाहर ना। लेकिन मान लो अपने खाने भर रख लिया, बाकी को बाहर भेज दिया, अगले साल फसल हुई नहीं, अगले दो साल फसल नहीं हुई, अब क्या करेगा? तब फिर बाहर से लेना पड़ेगा। तो जैसे यहां दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन बन रही है, तो उसी ऑक्सीजन को ले लिया और जो CO2 बना उसको यूज कर दिया फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रात में तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा, अब क्या करना होगा? अब ऑक्सीजन बाहर से लेना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि पौधे फोटोसिंथेसिस दिन में करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन जब रिस्पिरेशन करेंगे तो क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे और क्या छोड़ेंगे? CO2 छोड़ेंगे। लेकिन दिन में CO2 छूटता हुआ नहीं दिखता है पत्ती में, क्योंकि वो CO2 वहीं पे क्या होती है? यूज हो जाती है। लेकिन उसके तना में, उसके जड़ में तो CO2 लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे CO2 लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे, सारी यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, और ऑक्सीजन लेंगे तो क्या छोड़ेंगे? CO2। तो पौधे के हर भाग में रिस्पिरेशन 24 घंटे हो रहा है, लेकिन हरे भाग में फोटोसिंथेसिस लाइट में हो रहा है। जब लाइट रहेगी तब होगा, नहीं लाइट रहेगी तो, समझा गया कि नहीं? लेकिन दोनों परिस्थिति में जो स्टोमेटा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के समय CO2 ला रहा है, ऑक्सीजन निकाल रहा है, और रिस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 निकाल रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टोमेटा प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना? एक सेंटेंस और लिख के जाइए, घटी लगी है। स्टोमेटा इज गार्डेड बाई ए पेयर ऑफ, यस, ए पेयर ऑफ गार्ड्स, ए पेयर ऑफ गार्ड्स। कभी कभी इसका डायग्राम पूछ देते हैं, ए पेयर ऑफ गार्ड्स, गार्ड सेल आर बीन सीड इन सेप, गार्ड सेल आर बीन सीड इन सेप। गार्ड सेल कैसे है? बीन सीड है, सेम के बीज की तरह। कंटेन न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, कंटेन न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना? गार्ड सेल इज सराउंडेड बाई सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल इज सराउंडेड बाई सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल इज सराउंडेड बाई, देखिए सब्सिडियरी सेल कंटेन न्यूक्लियस, सब्सिडियरी सेल में न्यूक्लियस होगा, यहां पे न्यूक्लियस है लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है? सब्सिडियरी सेल आर सराउंडेड विथ एपिडर्मल सेल, सब्सिडियरी सेल आर सराउंडेड विथ एपिडर्मल सेल, सब्सिडियरी सेल किसे सराउंडेड है? एपिडर्मल सेल से, ठीक है? अब लिखिए, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट,
इन मोस्ट ऑफ द प्लांट स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम. कब खुलते हैं? डे टाइम माने लाइट में. एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग नाइट. एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग नाइट. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है इस धरती पे जो एकदम डिजर्ट एरिया में रहते हैं, उनके स्टोमेटा अगर दिन में खुल जाए तो पानी पूरा ही बाहर निकल जाएगा और वो सूख जाएंगे. तो ऐसे प्लांट में स्टोमेटा रात में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं. रात में इसीलिए खुलते हैं कि थोड़ी बहुत CO2 ला करके उसको मैलिक एसिड के रूप में जमा करके रखते हैं. जब दिन में लाइट आएगी तो CO2 से फोटोसिंथेसिस होगा. क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो CO2 मिलेगी नहीं, क्योंकि वातावरण में CO2 0.03% है, उतना प्रेशर है नहीं CO2 का, बस हो जाएगी नहीं. तो कैम प्लांट जैसे यूफोर्बिया है, कैक्टस है, इनके लीप में, इनके इन प्लांट में, यूफोर्बिया में स्टोमेटा कब खुलते हैं? रात में. और बंद कब होते हैं? दिन में. लेकिन दुनिया भर के जितने और पौधे हैं उनमें स्टोमेटा कब खुलेंगे? दिन में. और बंद कब होंगे? रात में. सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू. आई होप यू अंडरस्टैंड. समझ गए सब लोग? बहुत बढ़िया, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. पढ़ते लिखते रहिए, जहाँ नहीं आए पूछ लीजिए, लेकिन जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए.